झोपड़ी से लेकर कांग्रेस के पंजे तक का सफर प्रताप सिंह खाचरेवास के लिए आसान नहीं रहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे भैरों सिंह शेखावत का भतीजा होने के बावजूद प्रताप सिंह खाचरेवास को सियासत में स्थापित होने में कड़ा संघर्ष करना पड़ा। बीजेपी में गए लेकिन कट्टर संघ निष्ठों ने पार नहीं पड़ने दी। अपनाया तो कांग्रेस ने, लेकिन कांग्रेस ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारा। अब एक ऑडियो खाचरेवास का वायरल हो रहा है, पूरा माजरा क्या है देखिए जरा। बहुत कम लोगों को पता है कि प्रताप सिंह खाचरेवास एक जमाने में बीजेपी के हरावल दस्ते युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। खाचरेवास ने संघ शिक्षा को भी ग्रहण किया और पथ संचलन में कदम बढ़ाया। खाचरेवास ने राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव में सतीश पूनिया को हराया था। जब प्रताप सिंह खाचरेवास विश्वविद्यालय की प्राचीर से बोलते थे तो हजारों की तादाद में छात्र सुनते थे। अब खाचरेवास गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहने का वो रिकॉर्ड बना चुके हैं। अभी भी खाचरेवास का उत्तराधिकारी खोजा नहीं जा सका। संगठन में लंबा समय बीतने के बाद खाचरेवास को कांग्रेस की भली भांति जानकारी हासिल हो चुकी है। अब उनके सोशल मीडिया पर चल रहे भाषण ने उनकी भावी योजनाओं को भी सामने रख दिया, जो शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचना जताती है। वायरल ऑडियो में मंत्री प्रताप सिंह खाचरेवास ने कहा कि मुझे कांग्रेस के ही नेता निपटाना चाहते हैं। कांग्रेस में बहुत नेता ऐसे हैं जो चाहते हैं प्रताप सिंह को निपटा दो, जीता तो राजस्थान की मेन कुर्सी हो सकता है सिविल लाइंस के हाथ में, वो ध्यान रखना। लेकिन पहला चुनाव ऐसा होगा जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों मुझे मारने आएगी, घेरेंगे मुझे यहाँ ये कि यहाँ पटक दो और लड़ाई बड़ी चालू होगी। हालांकि प्रताप सिंह खाचरेवास ने अपने ऑडियो को लेकर मीडिया के सामने सफाई दी और कह दिया कि कब कौन सी परिस्थिति रही जब मैंने अपनी बात कही। अब कहा मैंने, किस मीटिंग में किस कारण से कहा, वो उस वक्त की स्थिति परिस्थिति रही होगी। जो भी कहा मैंने सोच समझ के कहा होगा तो ये तो दुनिया जानती है। मैं अगला चुनाव कांग्रेस पार्टी से ही लड़ रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का ही कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस ने मुझे बहुत कुछ दिया है पार्लियामेंट से लेकर यहाँ तक, तो ये सब किस मीटिंग में क्या कारण था, कौन हुआ थे, कांग्रेस बीजेपी दोनों थे नहीं थे, क्या परिस्थिति थी, मुझे नॉलेज में नहीं है। अब मंत्री के वायरल इस ऑडियो पर बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने चुटकी ली है। फिर भी बनी पार्क से लेकर सिविल लाइंस, निक्कर बयान से लेकर सरकार को बचाने तक खाचरेवास प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में बोले। आज अगर कांग्रेस में कोई खुलकर बात कहने की क्षमता रखता है तो उसका नाम प्रताप सिंह खाचरेवास के रूप में लिया जाता है। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।